खालिद खान सैफ वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों। और कौन होगा भाई, देश का जो सब कुछ कर्णधार कानून बनाने वाले वो लोग हैं, उन्होंने गलत करा है, वो सर्वोपरि हैं, तो वो गलत वो होंगे। हमारा तो जब नुकसान करेंगे तो हम उसके लिए विरोध नहीं करेंगे। इसके लिए हमने सबसे पहले सोशल मीडिया से इनके गोदी मीडिया ने बताया, हम नहीं जानते क्यों नहीं बताया, लेकिन हमने सबको रिक्वेस्ट करी कि आज का दिन किसान कर्फ्यू के नाम कर दो, 9 से 4 बजे तक घर से बाहर मत निकलो। अपना कोई जरूरी काम है तो उसको एक दिन पहले कर लो या अगले दिन कर लेना। अगर कोई जबरदस्ती आकर के धूप में खड़ा होता है या कोई उसको ला करके करता है तो वो भाई वो करता रहे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। राकेश टिकैत जी ने इस आंदोलन को आगे 10 साल तक के लिए बढ़ाने के लिए भी कहा है कि अगर सरकार नहीं मानती कि अगर किसान आंदोलन चलाना पड़े तो 10 साल तक भी चलाना पड़ेगा, तो सारे किसान जो हैं सब संगठन समर्थन करते हैं उनकी इस बात का। बिल्कुल जो कहा जाएगा वो बिल्कुल गलत नहीं करते हैं, वो बिल्कुल सही कहते हैं। उनकी एक एक बात का, उनके एक एक शब्द का सम्मान किया जाता है, किसानों में सम्मान है। वो ईमानदार नेता है, हमारी लीड कर रहे हैं, हम उसके पीछे जो वो आह्वान करेंगे जिस तरीके का करेंगे हम उनकी एक एक बात का अक्षर से पालन करेंगे। कल योगी आदित्यनाथ जी ने गन्ने पर 25 रुपये रेट बढ़ाया है, इस पर आप क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ का जो मुख्य सचिव है वो गन्ने की लागत 352 रुपये बता रहा है और आप रेट डिक्लेयर कर रहे हो 350 रुपये का, तो आप 2 रुपये तो लागत से ही कम कर रहे हो, तो 1.5 गुना कहाँ है आपका जो आपने वादा करा है अपने मैनिफेस्टो में। हमें 425 रुपये रेट चाहिए। 2014 में हमें जो है 370 रुपये रेट दे रहे थे यही गवर्नमेंट, और 2022 में जाके 350 रुपये दे रहे हैं। जब गवर्नमेंट में नहीं थे तब 370 दे रहे थे, जब गवर्नमेंट में है तो 325 ही दे रहे थे, वो भी 2022 में। आगे चुनाव सिर पे है इसलिए जो है 25 रुपये बढ़ा के 350 रुपये दे रहे हैं। कि जो विपक्षी सरकारें, जहां विपक्ष की राज्यों में सरकारें चल रही है, क्या आपको लगता है ऐसे ही है? ये सब कहने की बातें हैं, मीडिया पूंजीपतियों का है, इन्होंने खरीद लिया है। जो पत्रकार बेबाक टिप्पणी करते थे वो उन्होंने मीडिया ही खरीद डाले, वो प्राइवेट मीडिया खरीद करके वहां उन्होंने अपने आदमी बैठा दिए। वो जो ये पूंजीपति कहेंगे वो उनकी आवाज बोलेंगे, वो जनता की आवाज को नहीं उठाएंगे। ये पत्रकारिता का जो गला घोटा जा रहा है ये भारतीय किसान यूनियन। हर खबर को सबसे पहले जानने के लिए जुड़े रहें सैफ वर्ल्ड न्यूज़ से। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।